ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखे, और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं उसका फीस लागू है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए ये पांच चीजें हमें चढ़ाना चाहिए। हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं कि हमारी मनोकामना है उसकी, भगवान के हम पर कृपा रहे, हमके इसके लिए कई सारे प्रयत्न करते हैं। तो बुधवार के दिन इनके लिए बहुत शुभ होता है, पर भगवान के लिए तो हर एक दिन शुभ होता है, पर गणपति जी के लिए जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि बुधवार जो दिन है वो गणपति जी का दिन है। पर ये जो पांच चीजें हैं आप रोज भी कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे बुधवार भी पर्टिकुलर कर सकते हैं। तो ये पांच चीजें आपको गणपति जी को चढ़ाना है, उससे गणपति जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले और मुख्य चीजें मोदक के लड्डू। आप सभी को पता है जब भी आप गणपति जी का कहीं भी तस्वीर, फोटो या मूर्ति देखते हो उसमें लड्डू जरूर उनके हाथों में होता है। तो मोदक के लड्डू भगवान को, गणेश जी को चढ़ाएं, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सबसे प्रिय उनका भोजन है मोदक के लड्डू। महाराष्ट्र में जब गणपति उत्सव होता है तो मोदक के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू बहुत ही अधिक मात्रा में घर से बनाकर भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तो आप भी, सबसे पहली बात है कि मोदक के लड्डू भगवान को चढ़ाए गणपति जी को। दूसरा है दुर्वा। दुर्वा आसानी से आपके घर के आसपास मिल जाती है, बाजार में भी मिल जाती है। तो भगवान को ऊपर से अगर वो दो या पांच मुंह का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गणपति जी को आप दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा से गणपति जी को सबसे ज्यादा प्रिय है दुर्वा, और उससे गणपति जी बहुत प्रसन्न भी होते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज जो आपको चढ़ानी है वो है केले। गणपति जी को केले बहुत पसंद है, इसलिए कभी भी जब भी आप गणपति जी को केले चढ़ाएं तो दो चढ़ाएं, जोड़े से चढ़ाएं, एक न चढ़ाएं। ये बात हमेशा अपने जीवन में आप याद रखना। इसके अलावा दोस्तों, चौथी जो चीज आपको गणेश जी को चढ़ाना चाहिए वो है सिंदूर। सिंदूर मंगल का प्रतीक होता है, तो मंगलमय शुभ काम के लिए जब भी कोई शुभ काम होता है तो पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का वंदन किया जाता है, उसके बाद कोई भी कार्य किया जाता है। तो जो सिंदूर है वो मंगल का परिचायक है, इसलिए हमें गणपति जी को सिंदूर जब हमेशा चढ़ाना चाहिए। जब भी आप दर्शन करने जाएं तो सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप सिंदूर चढ़ाते हैं उससे मंगल के जो दोष है वो भी खत्म होते हैं, उससे घर में दाम्पत्य भी हमारा स्थिरता की ओर जाता है। और कई बार तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे व्यापारिक नुकसान, उन चीजों को भी गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से पॉजिटिव वे में जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको चढ़ाना चाहिए। और सिंदूर लगाते वक्त याद रहे कि हम हमारे सीधे हाथ का प्रयोग करें, महिलाएं भी इसमें सीधे हाथ का प्रयोग करें। और पांचवा फूल, आचार भूषण ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री गणेश को तुलसी दल को छोड़कर हम सभी प्रकार के फूल चढ़ा सकते हैं। और ज्यादातर जो लोग हैं वो भगवान को मोगरे का फूल चढ़ाते हैं, गेंदे का फूल चढ़ाते हैं, तो कोई सा भी फूल आप चढ़ा सकते हैं तुलसी दल को छोड़कर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वहां से एनालिसिस करा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।